शाहिद, ये देखो मेरे भैया आए हैं। भैया नमस्ते। भैया आप ना एक काम करो, आप यहीं बैठो, मैंने आप लोगों के लिए चाय बना के लाता हूँ। अरे आप क्यों बनाओगे चाय? सीवी है ना, सीवी बनाएगी चाय। आप ना आप यहाँ बैठो मेरे साथ। अरे नहीं भैया, सीवी कैसे जाएगी चाय बनाने? उसे तो चाय बनाना आते ही नहीं है। घर पे चाय तो मैं बनाता हूँ, मैं बना के लाता हूँ। अरे ये तो मजाक कर रहे हैं, चाय कैसे बनाएंगे? इन्हें तो पानी तक गर्म करना नहीं आता। आओ आप यहाँ पे बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। मैं वहाँ कैसे बैठूंगा? आप लोग ऊपर बैठे हो, मैं तो नीचे बैठता हूँ हमेशा, आज भी नीचे बैठ जाऊंगा। अरे आप नीचे क्यों बैठोगे? ये सोफा लगाए ना बैठने के लिए, यहाँ बैठो आप। सीवी ये क्या है? मुझे नहीं पता भैया, आज इन्हें क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अरे भैया आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? आप एक काम करो, आप रिलैक्स करो, मैं ना बाहर से कुछ खाने को लेके आता हूँ। अरे तुम्हें क्या जरूरत है बाहर जाने की? इतनी गर्मी है बाहर, तुम ना ज्यादा बाहर मत जाया करो। अरे हाँ मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ ना। अरे भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो? धूप आज ही तो है, मैं तो रोज ही धूप में जाता हूँ 20 रुपए बचाने के लिए, क्योंकि मेरी बीबी जो है ना सीवी, इसने मेरे को बोला है कि तुम्हें कहीं भी जाना है, कुछ भी ऑर्डर लेना है तो पैदल जाना है, क्योंकि डिलीवरी वाला आएगा तो वो 20 रुपए चार्ज लेगा, और गाड़ी भी नहीं देती मेरे को ये, क्योंकि तेल लगेगा उसमें, तो धूप हो या बारिश हो या कुछ भी हो मेरे को पैदल ही जाना पड़ता है सामान लेने के लिए। सीवी ये क्या कह रहे है? मैंने ये संस्कार दिए तुझे, तू 20 रुपए बचाने के चक्कर में दामाद जी को धूप में बेचती है। भैया मुझे पता है ये ऐसा क्यों बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर उस बात की वजह से गुस्सा हो ना तो वो बात अलग है, अभी ना ये ड्रामे मत करो, और अगर मजाक कर रहे हो ना तो मजाक बंद करो अपना। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, बाहर नहीं जाना तो एक काम करता हूँ, मैं ना घर पे कुछ बना लेता हूँ आप लोग के लिए। अरे क्या है दामाद जी, हम जो भी काम बोलते हैं आप पहले तैयार हो जाते हो, मैं कर देता हूँ मैं कर देता हूँ। सीवी तू सारा काम इनसे करवाती है क्या? तुझे इतना अच्छा घर मिला है और तू अपने ही घर में आग लगा रही है, ये क्या चल रहा है सब? अगर आज के बाद मैंने ये सब सुना ना तो बहुत बुरा होगा सीवी, आज से ना दामाद जी एक चम्मच या एक प्लेट भी नहीं उठाएंगे, घर का सारा काम ना अब तुम करोगी, दामाद जी कुछ नहीं करेंगे, समझी? भैया मैं तो ऐसा कभी कुछ नहीं करती, पर पता नहीं आज ऐसा ही क्यों करे, मैं तो इनसे एक पानी का ग्लास भी उठवाती। ओह सॉरी भैया, भैया टाइम हो चुका है और मुझे ना वृद्धाश्रम जाना है बहुत जल्दी, क्योंकि सीवी ने मेरे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है, वो वृद्धाश्रम रहते हैं, तो वहाँ पे मुझे दवाई गोली टाइम से हो नहीं पाती है, तो मैं रोज जाता हूँ टाइम से उनको दवाई देने। तेरी इतनी मजाल, तूने अपने मम्मी पापा अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? और बेटा आपने बताया क्यों नहीं? अगर तुम मुझे बता देते ना तो मैं जान से मार देता। मैं बताता हूँ आपको सारी सच्चाई, भैया शादी के 2 महीने बाद से ही इसने मुझे और मेरे माँ बाप को सबको टॉर्चर करना चालू कर दिया, और ये उल्टी सीधी हमें धमकी दे दी थी जेल भेजने की, और इसने हमें धमका के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और मेरे माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल दिया, और भैया अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो ये बोलती है मैं थाने चली जाऊंगी और तुम पे उल्टा केस लगा दूंगी, तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगी, ये हमें डरा के रखती है दबा के रखती है, भैया मजबूरी में ये सब मुझे करना पड़ता है। भैया भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी सारी गलतियों पे पछतावा है, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी इनके साथ, मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो इनके मम्मी पापा को मैंने यहाँ से निकाल दिया, और तो और इनसे पूरा दिन रात काम ही करवाती रहती थी मैं, मुझे आज रियलाइज हो चुका है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सीवी अब जो फैसला दामाद जी लेंगे ना वही होगा, समझी? या अब मैं फैसला ले चुका हूँ, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दामाद जी, आप इसे भी तो पता लगना चाहिए जब सही इंसान के साथ साथ छूटता है ना तो कैसा लगता है। तुझे इस घर में सब कुछ मिला, प्यार मिली, दौलत मिली, शोहरत मिली, और तूने आखिर में अपने माँ बाप को मतलब अपने सास ससुर को बाहर निकाल दिया, और दामाद जी से काम करवाती हो तुम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए सीवी, शर्म। शाहिद प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, आज तक मैंने तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव किया और तुम्हारे मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया, आज मुझे अपनी सारी गलती रियलाइज हो चुकी है, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो, ना ही अपने घर से निकालो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मम्मी पापा को भी वहां से लेके आएंगे, और मैं तुम्हें भी एक भी काम नहीं करने दूंगी, सारा काम खुद ही करूंगी, मुझे घर से मत निकालो प्लीज। नहीं सिमी अब इस सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, जो मुझे कहना था मैं कह चुका, और मेरा फैसला आखिरी है, जो कुछ मुझे और मेरे माँ बाप को झेलना था वो हमने झेल लिया, बस अब मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते।